गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फोर्थ स्टैंडर्ड ईवीएस वन सब्जेक्ट फोर्टीन लेसन मैप्स एंड सिंबल्स, ओके इन लास्ट वीडियो लास्ट लेसन वी हैव सीन विच आर द मैप्स एंड हाउ टू प्रिपेयर ए मैप इज एंड इन मैप एंड द डायरेक्शंस आल्सो वी हैव सीन इन द लास्ट लेसन तो हम लोगों ने मैप्स के बारे में लास्ट लेसन में पढ़ा था और बनाने के टाइम पे कैसे बनाना चाहिए मैप्स में हम लोग कैसे एंट्री करना चाहिए कौन सा चीज़ किधर रखना चाहिए ये सब हम लोग किधर पढ़ा था लास्ट लेसन में पढ़ा था ठीक है तो ये लेसन में हम लोग मैप्स और सिंबल्स कैसे एंटर करने का है वो देखते हैं तो अभी ये जो पिक्चर दिया हुआ है आपके बुक में थोड़ा सा पिक्चर दिया हुआ है इसमें से आपने को ये क्लासीफाई करने का है नेचुरल थिंग्स कौन सा कौन सा है और मैन मेड थिंग्स कौन सा कौन सा है इसमें नेचुरल कौन सा कौन सा है रिवर है वो क्या है नेचुरल है ट्रीज दैट ऑल्सो नेचुरल और हिल जो दिख रहा है आप लोगों को वो भी नेचुरल है और ग्रास ये सब क्या है नेचुरल थिंग्स है और जो स्कूल है वो नेचुरल है क्या नहीं वो हम लोगों ने बनाया हुआ है स्कूल जो है हम लोग ब्रिक्स और बाकी का जो सीमेंट वो सब यूज़ करके हम लोग बनाया हुआ है इसलिए वो क्या हो गया मैन मेड हो गया स्कूल और वाटर टावर जो है पानी भर के रखने का स्टोर करने का जो टावर है वो भी क्या है मैन मेड है क्योंकि हम लोगों ने बनाया हुआ है वाटर वर और हाउस घर जो है घर भी क्या कौन बनाया हुआ है वो भी हम लोगों ने ही बनाया हुआ है घर नेचुरल नहीं है नेचुरली वो घर ऐसे ही आया हुआ है, नहीं है. हम लोग बनाया है. और जो रोड्स है रोड्स भी क्या कौन बनाया हुआ है मैन ह्यूमन बींग्स ने रोड्स भी बनाए हुआ है इसलिए दैट ऑल्सो मैन मेड रिवर ट्रीज हिल एंड ग्रास आर नेचुरल थिंग्स एंड ए स्कूल वाटर टावर हाउस एंड रोड आर मैन मेड थिंग्स ओके इतना आए समझ में सबको दो मैन मेड रहता है नेचुरल नेचुरल बोला तो जो नेचुरली रहता है हम लोग बनाना नहीं पड़ते है। वो अपने आप रहता है नेचुर में रहता है वो रिवर हिल जैसा नेचुरल में रहता है और बाकी का जो चीज़ है हम लोग घर बनाते हैं घर पे जो नेचुरल थिंग्स यूज करके हम लोग बनाते हैं लेकिन उसका बोलते हैं मैन मेड थिंग्स ठीक है तो मैन मेड थिंग्स किससे बनाते हैं हम लोग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस फॉर एग्जाम्पल आप लोग बोल सकते हैं कुछ भी नेचुरल रिसोर्स यूज़ करके हम लोग बनाए हुआ थिंग्स अभी वुड है वुड इज़ ए नेचुरल थिंग इज एंड डेड जो ट्रीज कट करके अपने को वुड मिलता है उसमें से हम लोग क्या क्या बनाते हैं चेयर बनाते हैं टेबल बनाते हैं बेंचेस बनाते हैं ठीक है जो ट्री में से अपने को वुड मिलता है उसमें से हम लोग बहुत सारा आइटम्स बनाते हैं या शोकेस बनाते हैं घर पे ओके दीज आर द थिंग्स और दूसरा हम लोग देखते हैं अभी आप लोगों का टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिया हुआ है उसमें क्या दिया है अंजू का हाउस जो है और स्कूल तो उसका पूरा एरिया दिया हुआ है अंजू का हाउस और एरिया वो पूरा रियल पिक्चर दिया हुआ है आप लोगों को उसमें हाउस की है स्कूल की है और पोलिस चौकी की है अलग अलग ये दिया हुआ है उसमें ट्रीज की है अंजू का फ्रंट का हाउस की है पोस्ट ऑफिस की है और मार्केट की तरह है ये सब वो पिक्चर में दिया हुआ है पार्क सब ठीक है इसमें हाउस की तरह आप लोगों को टूटने को तीन चार क्वेश्चन दिया है फाइंड हाउस इन पिक्चर हाउस तरह हाउस तरह एकदम नीचे राइट साइड में राइट साइड का कॉर्नर में देखो नीचे का कॉर्नर में अंजुस का हाउस है और स्कूल किधर है सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में स्कूल है ठीक है क्या नहीं? और अंजूस हाउस से स्कूल तक कौन सा रूट है दिख रहे क्या आप लोगों को वो बहुत टर्निंग है है ना फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड अगेन लेफ्ट साइड टू राइट साइड लाइक दैट सो मेनी टर्निंग्स आर देयर इन दिस पिक्चर ओके नॉट द थिंग्स दैट सीन ऑन द वे फ्रॉम द हाउस टू द स्कूल आप लोगों को स्कूल से स्कूल um, uh, तक जाने का रास्ते में कौन सा कौन सा थिंग्स दिख रहे हैं उसका एक लिस्ट बनाने का बोला है ओके यू वांट टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ

पिक्चर रियल पिक्चर रियल पिक्चर में हम लोग क्या करना पड़ता है उसको एक कंपस रॉक पता हूँ कौन सा कौन सा डायरेक्शन में ये समझ में आएगा फिर उधर क्या क्या रियलिस्टिक पिक्चर्स में क्या क्या दिया हुआ है ट्रीज दिया हुआ है बिल्डिंग्स दिया हुआ है और तो हम लोग जब मैप बनाएंगे तो ये डायरेक्ट ऐसा ड्रॉ कर सकते क्या इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ एवरी पिक्चर इन अवर मैप इस द ट्रीज हाउस रेलवे स्टेशन पोलिस स्टेशन पोस्ट ऑफिस दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर यूजिंग सिम्बल्स इन दैट प्लेस ऑफ औरिजिनल पिक्चर जो रियलिस्टिक पिक्चर है उसके जगह पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं जब मैप बनाते हैं तो हम लोग रियल पिक्चर यूज़ करते हैं ठीक है उसके बाद सॉरी रियल पिक्चर की जगह पर सिम्बल्स यूज करते हैं सर्टन सिम्बल्स हम लोग इसमें यूज करते हैं तो वो पिक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं स्केच बोलते हैं जब हम लोग जो भी ये रहता है रियलिस्टिक पिक्चर रहता है बिल्डिंग का ट्रीज़ का उसके बदल हम लोग कुछ सिंबल्स यूज़ करके पिक्चर बनाते हैं तो वो पिक्चर को बोलते हैं स्केच दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो ओके बाय